बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज पटेरी मुख्य मार्ग के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने चाय की दुकान में घुस गई, जिससे पूरी तरह से चाय की दुकान नष्ट हो गई। यह घटना महाराजगंज के राजेंद्र चौक से महज 100 गज की दूरी पर घटी हुई है। यह चाय की दुकान जनता नर्सिंग होम के पास है। आज अनियंत्रित स्कॉर्पियो के घुसने से रोजी रोटी का सवाल उस गरीब परिवार पर खड़ा हो गया। वहीं चाय की दुकान में भीड़ नहीं होने कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, जबकि चाय दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जनता नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल चाय दुकानदार सूर्य नारायण शाह को एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए सिवान भेजा गया। सूर्य नारायण के घायल होने की दुकान की क्षति होने से भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी अशोक सिंह के नेतृत्व में पहुंचकर मामले की छानबीन व स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया। जैसे ही घटना हुई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी प्रकार पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत कराया। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।